हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज एक मैं बेबी ट्यूनिक बना रही हूँ। बेबी फ्रॉक जो है इसे कह सकते हैं आप। इसे जो है बच्चे को जो बंद गले की कार्डिगन होती है, मतलब कि हाई नेक कार्डिगन पे भी पहना सकते हैं, गोल गले की कार्डिगन, बी गले की कार्डिगन में भी पहना सकते हैं। मतलब कि पहले आप कार्डिगन पहनाइए, उसके ऊपर जो है इसे पहना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने 3 प्लाई की बुल ली है। इस तरह से देखिए, इस तरह की बुल है ये। और इसमें मैंने जो है 10 नंबर की सिलाई के साथ इसमें बॉर्डर बनाया है। देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिलाइयों का बॉर्डर मैंने बनाया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस बॉर्डर को कम या ज्यादा कर सकती हैं, मतलब कि थोड़ा आप चौड़ा भी बना सकती हैं और थोड़ा इसे कम भी बना सकती हैं, लेकिन 10 सिलाइयों का तो ये चाहिए होगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने 52 स्टिचेस लिए हैं। 52 स्टिचेस लेकर के मैंने 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। सीधी तरह से जो फंदे होते हैं, नॉर्मल फंदे हैं, वैसे बनाए हैं। देखिए उल्टी साइड से इस तरह से आएगा और सीधी साइड से इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर मैं 9 नंबर की सिलाई जो है यूज करूंगी। 9 नंबर की सिलाई देखिए, ये वाली स्टील की निटिंग नीडल है, स्टेनलेस स्टील की है। इस तरह से ये सिलाइयाँ जो है मुझे किसी ने गिफ्ट की हैं। मैं आपको पूरा पैकेट इसमें जो है फिर अलग से वीडियो बना करके दिखाऊंगी। ये इस तरह का पैकेट जो है, इस तरह का पैकेट है, और ये वाली सिलाइयाँ इसमें देखिए बहुत सारे जो है पेयर हैं सिलाइयों के। और ये हमारी निटिंग नीडल है, सर्कुलर नीडल, ये क्रोशिया सेट है, और ये जो है स्टिच होल्डर है। ये इस तरह पूरी वीडियो में आपको इसकी बाद में बना करके दिखाऊंगी कैसी कैसी जो है ये सिलाइयाँ हैं। देखिए इस तरह से डबल पॉइंटेड भी है। अब इसमें ये वाली नीडल में यूज करूंगी। इसके लिए देखिए, इतने फंदों में 10 लाइनों में बॉर्डर बना करके, अब देखिए आगे हमने कैसे बनाना है इसे। इस तरह से उल्टी साइड है, सीधी साइड है, पहले 3 फंदे, एक हमारा एज स्टिच है, 2 फंदे मैंने जो है उल्टे लिए हैं। फिर इसके बाद 1 2 3 4, 4 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, फिर धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर 4 सीधे और 2 उल्टे। इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। देखिए लास्ट में 4 फंदे सीधे और 3 उल्टे आएंगे, मतलब कि 2 उल्टे और एक हमारा एज स्टिच है, उसे मैं इस साइड से सीधा बुनूंगी। अब देखिए दूसरी साइड से जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है, मतलब कि इस तरह से ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे इस साइड से ऐसे, और 4 फंदे दूसरी साइड से उल्टे आएंगे, इस साइड से सीधे आएंगे, और 4 फंदे उल्टे, यहाँ से 2 सीधे 4 उल्टे। तो इस तरीके से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये हमारी रॉन्ग साइड से सेकंड रो होगी। अब देखिए फ्रेंड, सीधी साइड है और तीसरी रो है हमारी, इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाएंगे, 2 उल्टे, और ये जो 4 फंदे हैं इनको देखिए हमने कैसे बनाना है। इन 4 फंदों को, ये जो 2 फंदे पहले हैं, इनका सेकंड वाला फंदा हम ऐसे बुनेंगे पहले। चाहे आप इस तरह से उतार के इसे पीछे ले जाइए, इसे आगे ले जाइए ऐसे, और पहले बुना इसको बाद में बुना। ये हमारे 2 फंदे इस तरफ ट्विस्ट हो गए। अब पीछे वाले को हम ऐसे लाएंगे पहले इस तरीके से और बुन देंगे, और आगे वाला जो पीछे लेके गए हैं उसे
बाद में बुनेंगे, इस तरह से देखिए ये हो गया। फिर दो फंदे हमारे उल्टे और इस फंदे को पहले बुना इस तरीके से, ऐसे, और इस फंदे को बाद में बुना, इसे पहले बुना इस तरीके से, इसे पीछे लेके गए और इसे बाद में बुन दिया इस तरह से। तो इस तरीके से फर्स्ट रो हमारी, थर्ड रो सॉरी, डिजाइन की फर्स्ट रो है, थर्ड रो हमारी यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट होगी। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई पूरी हमने जो फंदा जैसा दिखा वैसे बनाई। फिर हम देखिए दो फंदे सीधे और चार उल्टे, फिर ऐसे ही सीधे बनाएंगे। देखिए चार उल्टे, चार सीधे, दो फंदे उल्टे इस तरह से। आप यहां पे भी इसे ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ी बड़ी डिब्बी बनाऊंगी। तो दो फंदे उल्टे, चार सीधे, दो उल्टे, चार सीधे, इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। और जो उल्टी साइड वाली रो है जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे। मतलब कि इधर इधर से दो फंदे सीधे आएंगे, चार उल्टे आएंगे, इधर से चार सीधे आएंगे, दो उल्टे आएंगे। अब देखिए इसमें नेक्स्ट रो में हम कैसे बनाएंगे। एक फंदा एज स्टिच उसे उतारा, दो उल्टे बुने। अब देखिए यहां पे इसको ट्विस्ट करना है फिर से। फिर कैसे करेंगे, इसको बंद करना है डिब्बी को। देखिए इस तरह से यहां पे खुल रही है, यहां पे इसे इस तरह से बंद करेंगे। इस फंदे को पहले बुना और इस फंदे को बाद में इस तरह से। फिर इस फंदे को पहले बुना पीछे वाले को और इस फंदे को बाद में बुना। देखिए इस तरह से डिब्बी जो है ये बंद हो रही है। फिर दो फंदे उल्टे और फिर देखिए इस फंदे को पहले बुनना है ऐसे, इसको आगे लेके आएंगे, इसको पीछे लेके आएंगे, इसे पहले बुना, इसे बाद में। फिर इस फंदे को पीछे की साइड से पीछे लेके जाना है, इसको आगे लेके आएंगे और ऐसे सीधा बुन देंगे और इसको बाद में सीधा बुन देंगे। देखिए आप देख सकती हैं इस तरह से बंद हो रही है डिब्बी। फिर दो फंदे उल्टे और आगे हमने सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हम दो डिब्बी हमने बनाई है इस तरह से। अब इस रो को पूरी को हम उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे। अब देखिए यहां पे फिर से हमने जो है, जैसे हमने यहां पे पहले फर्स्ट टाइम जो है डिजाइन को बनाया, सेम उसी तरीके से हमने जो है यहां पे बनाना है। एक फंदा उतारा, दो उल्टे बनाए इस तरह से। फिर देखिए ये जो दो फंदे हैं, चार फंदे हैं, इनमें से दो फंदों को हम बाहर की तरफ, देखिए पीछे वाले को पहले बुनना है ऐसे इस तरह से और आगे वाले को बाद में बुनेंगे। तो पीछे वाला फंदा हमारा पहले आ जाएगा इस तरह से, और पीछे वाले को पहले बुना देखिए इस तरह से, और आगे वाले को बाद में बुना दूसरी बार इस तरह से आ जाएगा। मतलब कि हमारा जो है यहाँ पे फिर से डिब्बी जो है खुल गई है। यहाँ पे खोली, फिर चार सिलाइयां बनी बीच में, फिर यहाँ पे बंद किया, फिर यहाँ पे खोल ली, फिर हमने चार सिलाइयां बनानी है सीधी और उल्टी, बीच में जो है सीधी और उल्टी बनानी है, फिर उसके बाद जो है इसे बंद कर देना है। तो इस तरीके से हमने जो है इसे बनाना है। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, बस इन्हीं रो को आपने जो है रिपीट करते हुए जाना है। मैं बता देती हूँ आपको कितनी रोज हमने बनानी है, तो एक डिब्बी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पांच या छह रो हमारी होंगी इस तरह से। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह, छह रो का जो है, छह रो की डिब्बी है। छह रो में जो डिब्बी जो है पहले खुलती है, फिर दो रो हमारी सिंपल आती है सीधी और उल्टी, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बंद कर देना है डिब्बी को। फिर से हमने यहाँ पे खोल लिया डिब्बी को, फिर उसे बंद कर दिया। तो इस तरीके से हमने जो है सात या आठ डिजाइन बना करके कंप्लीट करने हैं। तो सात आठ डिजाइन मैं बना लेती हूँ, फिर उसके आगे आपसे मिलती हूँ, फिर कैसे बनाना है इसको बाद में बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है
देखिए इस तरह से आप देख सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम जो है मैंने इस डिजाइन को बनाया है। उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको, इस तरह से पहला फंदा उतारा और बाकी पूरी सिलाई को हम सीधा बुनते हुए जाएंगे। इस तरह से एक सिलाई सीधी और दूसरी तरफ से एक सिलाई उल्टी जो है हम पूरी बना के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। अब देखिए हमारा जो है एक सिलाई हमने सीधी और एक सिलाई उल्टी बना के दो सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं ताकि इसको जो है फ्रॉक की शेप मिल सके। तो यहाँ पे मैं 6 फंदे इस तरफ बढ़ाऊंगी, 6 फंदे इस तरफ बढ़ाऊंगी, लेकिन बढ़ाने कैसे हैं, एकदम से ही बढ़ा देने ही देने हैं। इस तरह से एक फंदा उतारा ऐसे, अब यहां से हम फंदा उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से फंदा उठाया और ये फंदा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, मतलब कि बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब बाकी सिलाई पूरी लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदे से पहले हमने फिर से दूसरी तरफ भी फंदा बढ़ाना है और उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है, उसमें कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। 6 फंदे मैं एक तरफ बढ़ाऊंगी, 6 फंदे एक तरफ बढ़ाऊंगी, तो 12 फंदे मेरे पास टोटल हो जाएंगे। तो जिससे क्या है, मेरे पास 52 स्टिचेस से मैंने स्टार्ट किया था तो 62 हो जाएंगे, सॉरी 64 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने 12 12 फंदे 6 6 फंदे जो हैं बढ़ाने हैं। अगर 5 5 फंदे बढ़ाते तो 62 हो जाते। तो यहाँ पे मैंने 64 फंदे जो हैं करने हैं, 6 फंदे एक तरफ बढ़ाऊंगी, 6 बार दूसरी तरफ फंदा बढ़ाऊंगी। देखिए यहाँ पे इस तरफ ऐसे एक फंदे के 2 कर लिए, तो यहाँ पे भी हमारा फंदा बढ़ गया है। अब उल्टी सिलाई में पूरा जो है उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी ऐसे। इस तरह से उल्टा बुनूंगी, दूसरी बार फिर से फंदा बढ़ाऊंगी। अब देखिए एक सिलाई हम फिर से सीधी बनाएंगे, एक उल्टी, मतलब कि हर चौथी सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है, हर एक सिलाई में नहीं बढ़ाना है। मैंने आपको जैसे बताया, शायद बता दिया कि हर एक सिलाई में बढ़ाना है, लेकिन अगर हम हर एक सिलाई में बढ़ाएंगे तो हमारी फ्रॉक की जो लंबाई है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए हमने जो है हर चौथी सिलाई में फंदे को बढ़ाना है और सीधा उल्टा बुनते हुए जाना है। एक फंदा एक साइड से बढ़ाएंगे, दूसरा फंदा हम दूसरी साइड से बढ़ाएंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया और एक उल्टी सिलाई बनाई, फिर एक सीधी, फिर एक उल्टी, फिर आती हुई सीधी सिलाई में हमने यहाँ पे फंदे को बढ़ाना है। तो इस तरह से हमने जो है इसकी लंबाई कंप्लीट करनी है। 6 फंदे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, 6 फंदे हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। अब देखिए इतना हमने बुन लिया है, यहां से लेके यहां तक इसको सीधा बुनना है। अगर आप इंचेस की तरफ से देखें तो यहां से लेके यहां तक देखिए 3.3 इंच तक जो है, 3.1 इंच आप कह सकते हैं, और 3 इंच इसे बुनने के बाद यहां पे मैंने 6 फंदे बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद थोड़ी सिलाइयां ऐसे ही सीधी बनाई हैं। अगर आप इन सिलाइयों को गिनेंगे तो यहां से लेके यहां तक मेरी जो है, देखिए इस तरह से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 जो है मैंने सिलाइयां बनाई हैं सीधी और उल्टी। इसमें देखिए 6 फंदे मैंने इस तरफ बढ़ाए हैं, 6 फंदे इस तरफ, टोटल मेरे पास जो हैं 12 फंदे बड़े हैं
तो यहां पे मैंने जो है 52 फंदों से स्टार्ट किया, तो 12 फंदे मेरे पास यहां पे बढ़ गए, तो टोटल मेरे पास जो है 64 फंदे हो गए हैं। अगर आपने एक ध्यान रखना है एक बात का, अगर आप ज्यादा इससे 3 या 4 साल के बच्चे के लिए इसी फ्रॉक को बनाना चाहते हैं, तो यहां पे आप 60 या 62 स्टिचेस से स्टार्ट करिए। ऊपर आपने यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डिजाइन बनाए हैं, ऊपर आप जो है इसकी जगह पे 8 या 9 डिजाइन बना सकते हैं। और ये वाला हिस्सा भी आप ज्यादा बनाइएगा, यहाँ पे फंदे भी आप जो है यहाँ पे 6 6 फंदे मैंने जो है बढ़ाए हैं। ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है, 6 6 फंदे मैंने बढ़ाए हैं, 64 फंदे किए हैं। आप जो है 8 फंदे बढ़ा सकते हैं, 9 फंदे बढ़ा सकते हैं, एक तरफ 9 एक तरफ, जितना जितना बड़ा आप जहां पे बनाना चाहते हैं उतना ही आपने यहाँ पे स्टिचेस लेने हैं स्टार्टिंग में। उस ये वाला हिस्सा भी बड़ा बुनेंगे, ये वाला हिस्सा भी आपको पता ही है बड़ा ही बनाया जाएगा, तभी आपके बच्चे के लिए परफेक्ट जो है आ जाएगी। अब देखिए इसको इतना बढ़ाने के बाद इसको क्या करना है, इसमें हम जो है फ्रिल बनाएंगे। फ्रिल कैसे बनाएंगे, आप अलग अलग तरीके से जो है फ्रिल को देख सकते हैं यूट्यूब चैनलों पे, लेकिन मैं जो है इस तरह से फ्रिल बनाऊंगी। एक फंदा उतारा, एक उल्टा बनाया, अब यहां पे एक फंदा सीधा बनाऊंगी इस तरह से, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाऊंगी। चाहे आप यहां पे डिजाइन स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, एक फंदा उतारा इस तरह से, धागा अपनी तरफ ही रखा, इस फंदे पे जाली बना दी, फिर 1 2 3, आपने देखना है आप कितना गैप चाहती हैं, लेकिन मैंने जो है 3 फंदों का गैप दिया है। फिर धागे को अपनी साइड ही रखेंगे, एक फंदे को सीधा बना देंगे, बस यही आपने दोहराना है। फर्स्ट रो में 3 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, फिर इसे इस तरफ ही रहने देना है, एक फंदा सीधा। यहाँ पे जाली बनेगी और हमारे जो है फंदे इसके इसके साथ बढ़ेंगे। फिर अपनी तरफ धागा, 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे। धागे को आगे पीछे घुमाते रहना, जब उल्टे फंदे बनाएंगे तो हम धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे, और जब सीधा फंदा बनाना है तब हमने यहाँ पे जाली बनानी है, तो इस धागे को यहीं रहने देंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर 3 उल्टे। इस तरीके से फर्स्ट रो अपनी कंप्लीट करनी है, सेकंड रो रॉन्ग साइड से आएगी जो पूरी उल्टी बनेगी। अब देखिए उल्टी साइड में है, उल्टी साइड जैसे मैंने आपको बताया कि उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी आएगी, तो इस तरह से जो फंदा सीधा वहां से उल्टा है वहां यहां से सीधा बनेगा, और जो उल्टा है वहां से सीधा है यहाँ पे उल्टा बनेगा, और जो यहां से उल्टा है यहां से सीधा बनेगा। तो इस तरह से उल्टी रो आएगी, अब हमारी जो 3 फंदे उल्टे हैं वो यहां से सीधे बनेंगे, ये एक सीधा और ये दूसरा जाली वाला यहां से सीधा है यहां से उल्टा बनेगा। तो इस तरीके से आपने उल्टी रो मतलब कि जैसा जो फंदा दिख रहा है वैसा बनाना है, पूरे फंदों को उल्टा नहीं बनाना है। इस तरह से 3 सीधे एक उल्टा और ये जाली वाला भी उल्टा, फिर 3 सीधे, जो गैप वाले फंदे हैं वो रॉन्ग साइड से सीधे बनेंगे, राइट साइड से उल्टे बनेंगे। तो इस तरह से आपने जो है रॉन्ग साइड वाली रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बार हमने सीधी साइड से कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे फंदे बढ़ेंगे तो ये जाली वाला जो फंदा है इसे हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे के हमेशा हमने इस तरफ जाली बनानी है इस तरह से, फिर 3 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, और धागे को पीछे देखिए ये जाली वाला फंदा था पहले, इसे हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, इसे सीधा, मतलब कि जाली के साथ हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने 6 जालियां बनानी है, जो जाली वाला फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, इस फंदे के हमने इस तरफ जाली हमेशा बनानी है, 6 जालियां बना के कंप्लीट करना है। देखिये ये जाली वाला फंदा सीधा,
धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएं। अब देखिए 6-6 जालियां हमने बना ली हैं, तो अगर आप इस फ्रिल को ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 7, 8, 9, 10 जैसे भी जितनी भी आप बड़ी फ्रिल बनाना चाहते हैं उतनी आप इसमें जालियां बना सकते हैं। अब इसमें हमने इस फ्रिल को यहीं पे बंद करना है, लेकिन बंद करने से पहले हम जो है इसमें 4 सिलाइयां उल्टी उल्टी बनाएंगे दोनों साइड से, तो एक बॉर्डर के रूप में जो है ये आ जाएगा। इस तरह से सारे फंदों को हम उल्टा बनाएंगे दोनों तरफ से, मतलब कि दो धारियां हमारी इस साइड में ऐसी होनी चाहिए। अब 4 सिलाइयां बनाने के बाद हम सारे फंदों को एक एक करते हुए यहां पे बाइंड ऑफ करेंगे। बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से दूसरा बुना पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार दिया, इस तरह से सारे फंदों को इस तरह से हमने बाइंड ऑफ कर देना, तो एक झालर हमारी बन के एक फ्रिल बन करके रेडी हो जाएगी। और दो फ्रिल्स बनाएंगे इसमें, एक हमारी बन गई है एक बनानी है। वो कैसे बनानी है, सबसे पहले मैं फंदे बंद कर लेती हूँ यहाँ पे, फिर आगे आपको बताती हूँ कैसे आगे बनाना है इसको। देखिए यहाँ पे झालर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो धारियां हमने इस तरह से बनानी है और पांचवी सिलाई जब आएगी राइट साइड से इसे बंद कर देना है। अब देखिए दूसरी झालर हमने कैसे बनानी है। अब आप यहां से देखिए ये जो लास्ट वाली लाइन है हमारी, यहां पे देखिए ये यहां पे लास्ट वाली लाइन है, इसके नीचे वाले जो है फंदे उनको हमने उठाना है। ये देखिए यहां से ये वाला फंदा हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यहां से हमने इन फंदों को उठाना है। तो फर्स्ट वाला फंदा हमारा ये रहेगा यहां से, इस तरह से ऐसे, और सेकंड ये आ गया इस तरीके से। हमारे 64 फंदे थे तो 64 ही हमने उठाने हैं यहां से, 64 स्टिचेस हमने यहां से उठाने हैं ऐसे। जो नीचे वाला फंदा है उसे हमने उठाना है इस तरीके से, देखिए यहां पे ये आ गया ऐसे, और ऐसे करके देखिए ये नीचे वाला फंदा है इसे हम इस तरह से उठा लेंगे, ये नीचे वाला फंदा है इसे इस तरह से उठा लेंगे। चाहे आप जो है एक और कलर का धागा लेके जब आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाली जहां पे फ्रिल, यहां पे आप जो है इसे सुई पे भी, सुई में एक धागा डाल लीजिए, चाहे दूसरी तरह से मैंने आपको बताया है अलग कलर के धागे से अंदर से हमने फंदे जो है एक धागे के ऊपर कैसे लेने हैं, बहुत बार मैंने अपने वीडियो में बताया है आपको, तो आप उस तरीके से भी इन फंदों को उठा सकते हैं और ऐसे भी आप इसे उठा सकते हैं। देखिए जब आप उठाने लगोगे यहां से फंदे तो अपने आप ही आपको दिखाई देते रहेंगे और आसानी से आप इन फंदों को उठाते रहेंगे। ऐसे भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप इस तरीके से नहीं उठाना चाहते हैं आप एक धागे पे इन फंदों को ले लीजिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाली जो फ्रिल है, तो आपको आसानी से ये फंदे जो हैं सिलाई के ऊपर लेने में आसानी हो जाएगी। इस तरह से आपने जो है इन फंदों को, 64 फंदे ही आपके सिलाई के ऊपर आने चाहिए इस तरह से। देखिए बस आपने यही ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाला फंदा है, ये नीचे वाला जो फंदा है यही हमारी सिलाई के ऊपर आना चाहिए इस तरह से, इस तरह से। बहुत आसान तरीके से हमारे फंदे जो हैं यहां से पिक होते जाएंगे। यहां से देखिए ये वाला फंदा उठाएंगे ऐसे, फिर ये वाला फंदा उठाएंगे ऐसे, इसे बुन देंगे, फिर ये उठाएंगे
इसे बोल देंगे। इस तरीके से देखिए, खुद ब खुद आपको जो है, जब जब आप उठाने लगोगे तो आपको खुद को दिखने लगेंगे, तो आप आसानी से इन्हें उठा सकती हैं। तो पूरे फंदों को मैं इसी तरीके से उठाऊंगी। अब देखिए टोटल फंदे हमने यहाँ तक उठा लिए हैं, 64 स्टिचेस हमने यहाँ पे उठा लिए। अब इसको जो है हम सीधा और उल्टा बुनेंगे। देखिए ये फ्रिल की साइड उल्टी है, इसमें हम जो है सीधी साइड बुनेंगे और यहाँ पे हम जो है इस तरह से उल्टे के साथ उल्टा बुनेंगे, लेकिन बुनेंगे हम सीधा सीधा। सीधा मतलब सीधा, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा, ऐसे। तो इस तरह से बुन के हम इसे अपनी झालर तक जो है चौड़ा बुनेंगे। जितनी हमारी पहले वाली झालर बुनी है ना, उतना हमने इसको चौड़ा बुनना है। मैं आपको बता देती हूँ कितनी सिलाइयाँ इसमें बुनी जाएंगी। इसमें 18 सिलाइयाँ जो है मैं सीधे और उल्टे की करूँगी। फर्स्ट रो है हमारी, इसके बाद 17 सिलाइयाँ और बुनूंगी, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो मैं सीधा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने सीधा और उल्टा बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से आप झालर को करेंगे तो देखिए इसके बराबर, बिल्कुल जो है इसके बराबर का जो है नीचे का हिस्सा बना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से। अब इसको जो है, इसी झालर को हम दोबारा से यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे इसे रिपीट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये झालर बनाई है, वैसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगी। मैंने आपको ये वाली झालर बना के थोड़ी सी दिखाई है, उसी तरीके से हमने दूसरी झालर भी यहाँ पे बना लेनी है। कैसे बनानी है थोड़ा सा आप देख लीजिए। इस तरह से फिर धागा आगे किया, एक फंदा सीधा किया। तो जो हमारा जहाँ पे जाली बन रही है, इससे हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। आप देख सकती हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिए, इस फंदे के इस तरफ ही हमने जाली बनाते हुए जाना है। जो जालियों वाले फंदे हैं वो यहाँ पे सीधे बुनने हैं और बढ़ते हुए जाएंगे। तो इस तरह से तीन फंदों का बीच में मैंने गैप दिया है, इस तरह से 1 2 3। धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे ताकि यहाँ पे जाली से हमारा फंदा बढ़ जाए। फिर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे एक फंदा सीधा। तो इस तरीके से जो फंदा जाली वाला है वो अगली सिलाई में सीधा बनेगा, इस फंदे के इस तरफ हमारी जाली बन जाएगी। अब इसी तरीके से हमने जो है 6 जालियां बना के कंप्लीट करनी है, और बाद में उसे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे 4 सिलाइयां बनाई है, 5वीं सिलाई को बाइंड ऑफ कर दिया है, सेम इसी तरीके से। तो मैं पूरा कर लेती हूँ, बाद में इसकी जो है आखिरी जो है लुक दिखाऊंगी। और इसको ऊपर से अभी बनाना है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। एक जो है, एक हिस्सा फ्रॉक का जो है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आपने दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट करना है। अब इसमें हम जो है यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाएंगे, जो कि हमारे जो है शोल्डर पे, बच्चे के शोल्डर पे आएंगी। नीचे हमने ब्लैक या व्हाइट, कोई भी आपने जो है टी शर्ट या अपने कार्डिगन डाल लेनी है, उसके ऊपर ये फ्रॉक को पहनना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक लगेगी। इस तरह से जैसे हमने सेम टू सेम ये हिस्सा बनाया है, वैसे ही हम दूसरा हिस्सा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने दूसरा हिस्सा भी बना लिया इसका, सेम इसी तरीके से आपने दोनों हिस्से जो है बनाने हैं। अब इसमें यहाँ पे जो है छोटी छोटी हम जो है बेल्ट बनाएंगे, मतलब कि स्ट्रिप्स बनानी है हमने। तो यहाँ पे देखिए, यहां से हम जो है 1 2 3, यहां से यहां तक हम जो है इसमें 10 फंदे उठाएंगे। इस तरह से यहां से उठाएंगे, इस तरीके से। यहां से देखिए 1 2 3,
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और यहाँ से दसवां फंदा उठाएंगे, दस। इस तरह से हमने ये 10 फंदे उठाने हैं। चार हमारे जो है यहाँ पे इस डिजाइन के होंगे। ये वाला डिजाइन हम बीच वाले 4 फंदों में बनाएंगे। ऐसे देखिए, ये मैंने दूसरी साइड का बना लिया है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमने जो है ये देखिए, एक दो तीन, एक दो तीन, और यहां से हमने स्टार्ट किया। तो जितने फंदे हमने यहाँ पे जितना गैप रखना है उतना ही हमने इस साइड में रखेंगे, और बीच में हमने 10 फंदों में ये स्ट्रिप्स बनानी है इस तरीके से। तो बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। तो फर्स्ट रो हमने बनानी है, रॉन्ग साइड से आएगी, 3 फंदे उल्टे, 4 सीधे, फिर 3 फंदे दूसरी साइड से उल्टे, इस तरह से। तो ये होगी हमारी फर्स्ट रो। अब यहां से फिर वापस इन्हीं 10 फंदों को बुनेंगे। 2 फंदे, 3 फंदे उल्टे, 4 सीधे, और 3 उल्टे, फिर दूसरी साइड। जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है रॉन्ग साइड से वैसा ही बनाना है, मतलब कि 3 यहां से सीधे आएंगे, 4 उल्टे आएंगे बीच वाले, इस तरह से 4 उल्टे और 3 सीधे। फिर हमने ये वाला डिजाइन बनाना है। तो ये वाला डिजाइन मैंने आपको बना करके दिखाया है कैसे बनाना है। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। पहले हमने जो है इस तरह से बनाना है। पहले इस फंदे को बुनेंगे ऐसे, बाद में पहले वाले फंदे को बुनेंगे। दूसरी बार पीछे वाला फंदा पहले बुनना है, आगे वाला बाद में बुनना है। तो इस तरह से हमारी डिब्बी जो है खुल जाएगी। फिर 3 फंदे उल्टे आएंगे, रॉन्ग साइड से 3 फंदे सीधे, 4 उल्टे, 3 सीधे, इस तरह से। मतलब कि एक एक हमारा एज स्टिच होगा और दो दो फंदे दोनों तरफ डिजाइन के उल्टे होंगे। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से 3 उल्टे, फिर 4 सीधे, और 3 उल्टे। अब यहां से 3 फंदे सीधे, 4 उल्टे। बहुत जल्दी बन जाती है ये फ्रॉक। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह से देखिए, अब जो है हमारी डिब्बी जो है बंद हो रही है। अब हम कैसे इसे बंद करेंगे, धागे को बैक साइड करेंगे। अब पीछे वाला फंदा हम पहले बुनेंगे और आगे वाला बाद में बुनेंगे। फिर यहाँ पे पीछे वाला पहले आगे की तरफ से, और आगे वाला बाद में। तो ऐसे करने से हमारी डिब्बी जो है यहाँ पे बंद होगी। तो इस तरीके से आपने बनानी है। बनानी कितनी है ये देखिए आप, यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7 8 8 बना के 2 सिलाइयां मैंने यहाँ पे सीधी और उल्टे की बनाई है, फिर उसको बंद कर दिया है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी फ्रॉक की। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रॉक जो है बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पे साइड में इसे सिल दिया है मैंने, और ये जो फ्रॉक की फ्रिल है फर्स्ट वाली, इसे हमने इसके साथ नहीं सिलना है, इसको अलग से सिलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप साथ में सिलना चाहते हैं तो साथ में भी सिल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से ऊपर उठा के यहां से यहां तक सिल लीजिए, फिर इसे नीचे करके यहां से यहां तक ऊपर तक सिल लीजिए। तो दोनों साइड मैंने सिल दी है। देखिए, यहाँ पे जो है स्ट्रिप्स बनाई थी, यहाँ पे इसको बटन इसमें लगाए हैं, छोटे बटन है तो इसलिए हमने जो है एक पेंसिल के साथ यहाँ पे बटन होल बना लिए ऐसे। इस तरह से आप पेंसिल लीजिए, एक पेंसिल के साथ आप इस तरह से इसको ऐसे कीजिए तो बटन होल यहाँ पे छोटे बटन्स के लिए बटन होल बन जाएंगे आसानी से। तो इस तरह से मैंने बटन होल बना लिए हैं, क्योंकि इसको बार बार खोलना नहीं है, इसको ऐसे ही पहनाया जा सकेगा। और ये देखिए, यहां से ये बैक साइड है इसकी, ये देखिए इस तरह से दो फ्रिल मैंने बनाई हैं। अगर आप इसको और लंबा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फ्रिल, जैसे आपने दूसरी फ्रिल को अटैच किया वैसे ही यहां से फंदे उठा के तीसरी फ्रिल आप बना सकते हैं। जी आपकी चॉइस है, आप यहां से भी फ्रिल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इस फ्रॉक की लुक आई है। देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रॉक जो है छोटी सी बनी है, 1 से 2 साल के बच्चे को आराम से आएगी, इतने फंदों में इतनी लंबाई। तो अब इसकी लंबाई मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। तो आप यहां से लेके अगर देखेंगे, देखिए सेंटीमीटर के हिसाब से ये 40 सेंटीमीटर है, और इंचेस के हिसाब से देखें तो यहां से लेके यहां तक जो है ये देखिए 15.5 इंच के करीब हमारी इसकी लंबाई बनी है। तो लंबाई जो है ये भी बीच में ही आएगी। तो यहां से आप देखिए इस तरह से 3 इंच का जो है स्ट्रिप्स बनाई है मैंने, यहां से लेके नीचे तक जो है इसकी लंबाई बनी है 18 इंच, 18.5 इंच के करीब इसकी लंबाई नीचे तक बनी है। और चौड़ाई इसकी देख लेते हैं, चौड़ाई इसकी है देखिए यहां से इसकी चौड़ाई 7.5 इंच है। और यहां से अगर इसकी बात करें तो ये तो हमारा घेरे का हिस्सा है, तो यहां से लेके यहां तक हमारी 11.5 इंच के करीब है। तो ये मैंने आपको मेजरमेंट भी थोड़ा सा बता दिया। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं इसको तो यहां से फंदे ज्यादा लेने पड़ेंगे, ये हिस्सा भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, और यहां से भी इसको लंबा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की फ्रॉक जो है बहुत ही प्यारे जो है फ्रॉक बन करके रेडी होती है। अब इसके नीचे हाई नेक चाहे पहना लीजिए अपने बच्चे को, चाहे आप दूसरी गोल गले की जो कार्डिगन होती है उसके ऊपर इस फ्रॉक को पहना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।